वेलकम टू सीक्रेट ऑफ माय किचन। मैं शाइना शेख आज बना रही हूँ खीर पूरी। मैं एक लीटर से ज़्यादा बना रही हूँ, लेकिन आपको एक लीटर का हिसाब बताऊँगी। आपको लगेगा दूध, ये चावल मैंने दो घंटा पहले भिगा के रखी थी और रफली ग्राइंड करके ली हूँ। शक्कर आप आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ज़ाफ़रान, इलायची पाउडर और ये काजू बादाम पिस्ता कटा हुआ और ये वाइट रोज एसेंस। ये पूरी के लिए आपको लगेगा मैदा, घी, कलौंजी और रवा। सब में पहले दूध उबालने रख देंगे। दूध जब तक के उबल रहा है तब तक के आटा मिला के रख देंगे। मैदा लेंगे, उसमें कलौंजी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, रवा और घी डालेंगे। तो पहले ऐसे ही मिक्स करेंगे। घी डालने से ये एकदम क्रिस्पी बनता है। और ये नमकीन पूरी बना रही हूँ मैं, आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं एक टेबलस्पून और डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को कम लग रहा है घी। पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको भूनना है, ज्यादा पानी नहीं डालना है। अच्छे से इसको भून के लेना है और ढक के रखूंगी मैं इसको एक आधे घंटे के लिए। दूध को उबला चुका है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और धीरे धीरे करके ये पिसा हुआ चावल ऐड करेंगे। एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो लम्स हो जाएगा। और कंटिन्यू चलाते रहना है। एक बार ये अच्छे से मिक्स हो गया तो फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और डालूंगी मैं। इसको चलाते रहना है आपको ताकि नीचे लगे नहीं। ये मीडियम गैस पे है, अभी धीरे धीरे पूरा डाल दूंगी मैं। इसको कंटिन्यू चलाना है नहीं तो नीचे लग जाएगा। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद आपको शक्कर ऐड करना है। शक्कर अब आपके टेस्ट के हिसाब से डालना, कम या ज़्यादा। अभी इसमें इलायची और केसर डालेंगे। सन के ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा चारोली भी ऐड कर रही हूँ मैं। इसको अभी स्लो गैस पे आपको जब तक के पकाना है तब तक के चावल कम्प्लीटली पक नहीं जाता। चावल गल चुका है, खीर बन चुकी है। अगर आपको खीर थोड़ी गाढ़ी लगेगी कभी भी तो थोड़ा दूध ऐड करना, पानी ऐड नहीं करना, उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। अभी मैं गैस बंद कर दूंगी और इसमें दो ड्रॉप रोज़ वाटर ऐड करूँगी, दो से चार। जो साइज़ का आपको पूरी चाहिए वो साइज़ का पेड़ा बनाना और इसको मैदे में थोड़ा डिप करेंगे और बेल के लेंगे। पूरी बेल के हो जाएगा उसके बाद इस पे फॉक की मदद से हल्का हल्का खड्डा करेंगे ताकि अच्छी क्रिस्पी बने और फूले नहीं। अब इसको डीप फ्राई करेंगे गरम गरम तेल में मीडियम हीट पे। पूरी बन के रेडी हो चुकी है, अब इसको निकालेंगे।
फिर हल्के हाथ से तेल उसके ऊपर डालना ताकि दोनों तरफ से अच्छे से तले जाए। हल्के हाथ से फ्लिप करना है और उसको गोल्डन ब्राउन हुए तक अच्छे से दोनों तरफ से पकाना है। मेरी रेसिपी बनके कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।